हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने अनुच्छेद 18 को डिस्कस किया, ठीक है, ये उपाधियों का अंत तक। तो इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो उपाधियों के अंत में क्या आता है कि देखो, सैन्य सम्मान की लेकिन अनुमति होती है और भारत रत्न पद्म पुरस्कार दिए जा सकते हैं। ये 1954 में भारत रत्न शुरू हुए थे, लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार आई 1977 से 80 तक इनको बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो 19 में क्या है, पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया। तो अब 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो कौन सी 6 हैं वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आता है वाक अभिव्यक्ति, तो इसके अंदर है देखो, ठीक है, 19(1)(a) में क्या आता है, प्रेस की आज़ादी। अब देखो, प्रेस की आज़ादी के अंदर देख लेते हैं, 1956 में प्रेस परिषद अधिनियम भी पारित हुआ था। सूचना की, जो सूचना का अधिकार आता है देखो, RTI, ये भी इसी के अंदर है, 19(1)(k) में। राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार है, ये भी इसी के अंदर मिला है। 22 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था भारत संघ बनाम नवीन जिंदल वाद में, तो तब ये मिला था, राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो ये सब 19(1)(a) की बात हो रही थी। अब देख लेते हैं, उसके बाद आता है 19(1)(b) या ख में, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है, संगम या संघ बनाने की आज़ादी है, भारत में स्वतंत्रतापूर्वक भ्रमण यानी घूमने की आज़ादी है, भारत में कहीं भी निवास करने या बसने की आज़ादी है, अपना मनपसंद वृत्ति या जीविका या रोजगार या व्यापार कारोबार करने की भी आज़ादी है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण। अनुच्छेद 20 याद रखना, जब तक कानून का उल्लंघन न हो सजा नहीं दी जा सकती, स्वयं के विरुद्ध बयान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, एक अपराध की एक सजा दी जाएगी, ठीक है, अनुच्छेद 20 में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 21, काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक क्या होता है, शरीर मतलब, तो इसको आम तौर पे क्या बोल देते हैं, जीने का अधिकार। किस अनुच्छेद में, 21 में। 21(a) में क्या आता है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा दिया गया, ठीक है। और आज का लास्ट अनुच्छेद देख रहे हैं हम, अनुच्छेद 22, इससे गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त होता है। इसमें देखो, 3 कंडीशन है जो आपको याद कर लेनी है। एक तो हिरासत में लेने का कारण बताना पड़ेगा जो हिरासत में ले रहा है, दूसरा जिसकी गिरफ्तारी हो रही है वो अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकता है, ये अधिकार है, और 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, ये भी एक, ये सब अधिकार हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 22 क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है नागरिकों को। धन्यवाद।